भारत रत्न सम्मान 26 जनवरी 2022 तक। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न सम्मान के लिए सभी व्यक्ति जाति, व्यवसाय, पद और लिंग के भेदभाव के बिना प्राप्त है। इस पुरस्कार से अलंकरण मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में की गई सर्वोत्कृष्ट स्तर के निष्पादन के सम्मान के फलस्वरूप दिया जाता है। भारत रत्न के लिए सिफारिश स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। इसके लिए कोई औपचारिक सिफारिश आवश्यक नहीं है। वार्षिक पुरस्कारों की संख्या एक वर्ष विशेष में अधिकतम 3 तक सीमित है। इस पुरस्कार के प्रदान किए जाने के समय प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद, प्रमाण पत्र और एक तमगा दिया जाता है। इस पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार इस पुरस्कार को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे उल्लेखित नहीं किया जा सकता। तथापि यदि कोई पुरस्कार प्राप्तकर्ता आवश्यक समझता है तो वह अपने जीवन वृत्त, पत्र, शीर्ष, विजिटिंग कार्ड इत्यादि में यह दर्शाने के लिए कि वह इस पुरस्कार का प्राप्तकर्ता है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति का प्रयोग कर सकता है: राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्तकर्ता। इस सम्मान से सम्मानित व्यक्तियों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद और एक पदक मिलता है, लेकिन कोई राशि का प्रावधान नहीं होता है। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसके अलावा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री भी बड़े सम्मान होते हैं। 2022 तक 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उनकी सूची इस प्रकार है: श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी 1954 में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन 1954, डॉक्टर भगवान दास 1955, डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया 1955, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955, पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1957, डॉक्टर ढोंडो केशव कड़वे 1958, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय 1961, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन 1961, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963, डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे 1963, श्री लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत 1966, श्रीमती इंदिरा गांधी 1971, श्री वराहगिरी वेंकटगिरी 1975, श्री कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत 1976, मदर टेरेसा 1980, श्री आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत 1963, खान अब्दुल गफार खान 1987, श्री मारुदु गोपालन रामचंद्रन मरणोपरांत 1988, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मरणोपरांत 1990, डॉक्टर नेल्सन मंडेला 1990, श्री राजीव गांधी मरणोपरांत 1991, सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत 1991, श्री मोरारजी रणछोड़ जी देसाई 1991, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरणोपरांत 1992, श्री जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा 1992, श्री सत्यजीत रे 1992, श्री गुलजारी लाल नंदा 1997, श्रीमती अरुणा आसफ अली मरणोपरांत 1997, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1997, श्रीमती मधुरे सन्मुख खावा दिवू सुबुलक्ष्मी 1998, श्री चिदंबरम सुब्रमण्यम 1998, लोकनायक जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत 1999, प्रोफेसर अमर्त्य सेन 1999, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई मरणोपरांत 1999, पंडित रविशंकर 1999, सुश्री लता दीनानाथ मंगेशकर 2001, उस्ताद बिस्मिल्ला खान 2001, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी 2009, प्रोफेसर चिंतामणि गणेश रामचंद्र राव 1914, श्री सचिन रमेश तेंदुलकर 1914, पंडित मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत 1915, श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1915, श्री नानाजी देशमुख मरणोपरांत 1919,
डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका मरणोपरांत 1919, श्री प्रणब मुखर्जी 1919। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम तीन विशिष्ट नागरिक श्री गोपालाचारी, श्री डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सी वी रमन। 14 नागरिकों को यह सम्मान मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री प्रथम प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनको यह सम्मान मरणोपरांत प्राप्त प्रदान किया गया था। ढोंडो केशव कड़वे सबसे वृद्ध नागरिक हैं जिनको यह सम्मान 1958 में 100 साल के आयु में दिया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी प्रथम महिला बनी जिनको यह सम्मान प्रदान किया गया था। मरणोपरांत सम्मान पाने वाली प्रथम महिला बनी थी अरुणा आसफ अली। 2022 तक भारत रत्न से 5 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी 1971 में, मदर टेरेसा 1980 में, अरुणा आसफ अली 1997 में, एम सुब्बुलक्ष्मी 1998 में, लता मंगेशकर 2001 में। दो विशिष्ट व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित हुए, जवाहरलाल नेहरू 1955 में, इंदिरा गांधी 1971 में। मदर टेरेसा को 1980 में भारत के नागरिक के आधार पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका जन्म मैसिडोनिया में हुआ था। भारत रत्न से अब तक दो ही विदेशी नागरिक सम्मानित किए गए हैं। 1987 में पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान, 1990 में दक्षिण अफ्रीकी नागरिक नेल्सन मंडेला। भारत रत्न से सम्मानित दो ऐसे व्यक्ति जिनको पाकिस्तान के सबसे उच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया है, मोरारजी देसाई 1991 में भारत रत्न और 1990 में निशाने पाकिस्तान, नेल्सन मंडेला 1990 में भारत रत्न और 1992 में निशाने पाकिस्तान। 1999 में सबसे ज़्यादा 4 विशिष्ट नागरिकों को एक साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये पूर्व निर्धारित 3 उपाधि की सीमा से ज़्यादा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई, पंडित रविशंकर और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। सम्मानित ऐसे दो प्रख्यात व्यक्ति जिनकी मृत्यु भारत रत्न स्थापित करने से पहले हो गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 में मृत्यु और 1991 में भारत रत्न। मदन मोहन मालवीय 1946 में मृत्यु और 2015 में भारत रत्न। 1992 में सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई थी, परंतु उनके मृत्यु पर प्रश्न उठने के कारण उन्हें सम्मानित नहीं किया गया था। यह प्रथम और एकमात्र अवसर था जब भारत रत्न देने की घोषणा के बाद इसे वापस ले लिया गया था। 2014 में सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2014 में सचिन तेंदुलकर सबसे युवा व्यक्ति बने जिन्हें 40 वर्ष की आयु में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अतिरिक्त भारत रत्न का पदक एक पीपल के पत्ते के आकार का है और जिस पर आगे की ओर प्लैटिनम से बनी सूर्य की छवि के संग देवनागरी लिपि में भारत रत्न अंकित है। पीछे की ओर प्लैटिनम से बना राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह तथा देवनागरी लिपि में आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अंकित है।